वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिताम्, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविरावेत्मेधि वेदस्य मानिस्तः, श्रुतं मे मा प्रहासी। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, श्रुतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु मा, अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांतिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। नवा और दसवा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, ततो भूयैव ते तमः, यौ विद्यायागं रताः, अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया, इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे, अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया, इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। दसवें मंत्र पर कल हम लोग विचार कर रहे थे। दसवें मंत्र का अर्थ हमने देखा कि श्रुति यहां ये कहती है कि विद्या और अविद्या, जिसको कि हम उपासना और कर्म कहते हैं, अविद्या मतलब कर्म और विद्या मतलब उपासना, बोले इनके अलग अलग फल होते हैं। ये दो स्वतंत्र चीज है, इनमें अंग अंगी संबंध नहीं है। दोनों करेंगे तो ये दोनों परिणाम में कुछ न कुछ हमको देंगे। उपासना भी एक मानसिक कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, तो उसका भी फल होता है। कर्म का फल होता है ये तो हम समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन भक्ति करने का भी फल होता है, ये श्रुति माता स्वयं कह रही है। अन्यत अन्यत, भाष्यकार यहां भाष्य में लिखते हैं पृथग एव तु, पृथग एव विद्या क्रियते फलम्। पृथक फल है, उपासना भी एक चीज है। नियम ये है कि यदि कोई कर्म हो रहा है तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा, स्थूल रूप में मिलेगा नहीं तो सूक्ष्म रूप में मिलेगा, मिलेगा जरूर। यदि किसी कर्म का फल ही नहीं होता
तो व्यक्ति ही कुछ करता ही नहीं, बोले मालूम नहीं फल मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं। किसान जो है वो खेती करता ही नहीं, बोले मालूम नहीं अब बीज तो लगा रहे हैं, फल होगा कि नहीं, फसल होगी कि नहीं, कुछ पता नहीं। तो एक ऐसी स्थिति होगी कि व्यक्ति हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। तो जगत में ये नियम तो दिखता ही है, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो उपासना भी यदि एक कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, वहां कोई हम कसरत नहीं कर रहे हैं, दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, मन से कर्म कर रहे हैं, मानसिक कर्म भी होता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि कलयुग में यदि आपने मन से कुछ अच्छा सोचा तो उसका भी फल होगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में एक स्पेशल क्या कहते हैं कृपा भगवान ने की कि मन से यदि तुम मेरा स्मरण कर लो तो उसका भी मैं फल दूंगा। अन्य युगों में ऐसा नहीं है, वहां मन से सोचो फिर करो तब फल मिलेगा। लेकिन कलयुग में यदि कोई अच्छा सोच लेता है, यही बड़ी भारी चीज है, क्योंकि चारों तरफ तमस है, कलमश है, कलह है। तो ऐसे वातावरण में यदि किसी के मन में कुछ सद्विचार आ जाए, भगवान के वाह बहुत बढ़िया, चलो इसका फल दे देता हूं। तो इसलिए मानस पुण्य, मन से ही यदि कुछ करता है तो उसकी भी उसका भी परिणाम होता है। और हम सब लोग अनुभव करते हैं, यदि कोई अच्छे विचार जिस दिन आते हैं उस दिन तुरंत उसका फल दिखता है कि बड़ा उत्साह होता है, जोश रहता है, मन खिला खिला रहता है, कोई फ्रेश न्यू थॉट, इंस्पायरिंग थॉट आ जाते हैं। तो विचार का भी एक परिणाम होता है। तो यहां पर कहते हैं ये उपासना में भाव की बड़ी भूमिका है, तो उसका फल होता है। तो अन्यत जब हम ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसका तो फल होता ही है, लेकिन इसका भी होता है। अच्छा, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, मरण के पश्चात भी फल मिलता है। ध्यान से सुनना, जीते जी तो मिलता ही है, इसलिए कर्म की परिभाषा में एक बात कही जाती है कि कर्म उसको कहते हैं जिससे दो प्रकार के फल मिलते हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। कर्म करते ही हम आगे की चीजें तैयार कर लेते हैं, कौन से लोक में जाएंगे ये वर्तमान में हम निश्चित कर लेते हैं, हमको मालूम नहीं लेकिन हो जाता है। तो यहां लिखते कर्मणा पितृलोक, उपासना किए तो निश्चित ही वैकुंठ आदि लोकों में गमन। तो ये अदृष्ट है, आज मर्त्य लोक में हम मानव लोक में हैं, लेकिन आगे ये फल होते हैं। विज्ञान में कर्म किसको कहते हैं, विज्ञान में कर्म की परिभाषा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कर्म किया तो कर्म का क्या परिणाम हुआ, एक वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली गई, बस ये हो गया कर्म। आगे उसका कुछ फल होगा इसके ऊपर चर्चा नहीं है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है बस वही। लेकिन वेदांत शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में कर्म को कहा कि आगे भी फल मिलेगा, इसलिए अगला जन्म भी है और उस जन्म के साथ
फल भी भोगने पड़ेंगे। कर्म शास्त्र बड़ा गहन है, गहना कर्मणो गति है। तो इस तरह यहां दो फल बताएं। बोले ये आप इतना कह रहे हैं, ये कहां से आपने सुना? तो कहते इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षि। इति शुश्रुम, इस विषय में प्रमाण कौन है, ये ज्ञान का सोर्स क्या है? तो बोले धीर लोगों से हमने सुना। और कल हम लोगों ने धीर व्यक्ति कौन है इसकी विस्तार से चर्चा की, जो सुख दुख में सम रहता है, जो बुद्धिमान है, जो सुस्थिर है, जो निर्विकार है, ये सब अर्थ हम लोगों ने देखे। जो मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, वो है धीर। तो धीर लोगों से हमने सुना। और ये धीर लोग ही कौन है? तो बोले आचार्याः येनस्तद् विचचक्षिरे। हमने बुद्धिमान पुरुषों से ये सुना कि कर्म और उपासना का अलग फल होता है, और इन लोगों ने ये व्यवस्था दी। विचचक्षिरे, विचचक्षिरे का अर्थ शंकराचार्य जी कहते हैं व्याख्यातवंत। अंतिम लाइन देखिए भाष्य के पैराग्राफ में अंतिम लाइन, व्याख्यातवंत, व्याख्यान किया उन्होंने। ख्या धातु का अर्थ होता है कहना, आख्यान प्रख्यान ये सब जो होते हैं व्याख्यान। टोले इन लोगों ने हमको ये सुनाया। अच्छा, और ये लोग कौन हैं? तो देखिए यहां एक शब्द आता है ये नह तद विचचक्षिरे। इसके ऊपर भाष्य क्या लिखते हैं? तो ये के आगे आप देखिए भाष्य में ये के आगे लिखा है आचार्य, और नह का अर्थ होता है अस्मभ्यम, हमारे लिए। नह मतलब हमारे लिए, और ये मतलब ये कौन? आचार्य लोग। इन आचार्यों ने व्याख्या की तद विचचक्षिरे। तद, तद का अर्थ होता है, भाष्यकार लिखते हैं तद के आगे आप देखिए कर्म च ज्ञानम च। तो तीन शब्द हुए ये नह तत्। ये मतलब आचार्य लोग, नह मतलब हमारे लिए, तद मतलब तत् कर्म और उपासना, और विचचक्षिरे मतलब व्याख्यान किया। तो इन आचार्यों ने हमारे लिए कर्म और उपासना की व्यवस्था की, विधान किया, बताया। अच्छा, बोले ये मतलब आपने अर्थ किया आचार्य, ये बहुवचन है आचार्याः। आचार्य लोगों ने से हमने सुना। तो आचार्य का अर्थ क्या होता है? अब आचार्य का अर्थ प्राय हम लोग लेते हैं शिक्षक, लेकिन यह आचार्य का अर्थ संस्कृत में आता है कि आचिनोति शास्त्रार्थान, आचार्य स्थापयत्यपि। आचार्य कहते किसको है? तो बोले जो शास्त्रों के सारे शब्दों के अर्थों को जानता है, संशय विपर्य रहित, बिना किसी डाउट के विस्पष्टम जानाति, तो वो है आचार्य। अच्छा, और केवल जानता ही नहीं, आचार्य स्थापयति अपि, वह शिष्य के हृदय में उन अर्थों की स्थापना करने में समर्थ होता है। ही इज ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। कई लोग विद्वान होते हैं, बिल्कुल उनको सारा ज्ञान, इनसाइक्लोपीडिया, कहते चलते फिरते इनसाइक्लोपीडिया,
लेकिन वो आचार्य की कोटि में नहीं आ पाते, क्योंकि वो उन सारे अर्थों को शिष्य के हृदय में स्थापित नहीं कर पाते। बहुत अच्छा भाषण दे देंगे, लेकिन जो समझाने की बात है, तो इसलिए आचार्य एक विशिष्ट संत का नाम होता है। शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, तो आचार्य में ये गुण होना चाहिए कि न केवल वो जाने बल्कि दूसरे को भी जना दे, समझा दे। तो पहला अर्थ है कि जो स्वयं जानता है, दूसरा गुण है जो स्थापित करता है, दूसरे के हृदय में अपने हृदय के भाव ट्रांसफर करता है, वो है आचार्य। और तीसरा गुण उसमें बताया, स्वयं आचरते, जो स्वयं आचरण भी करता है। ये नहीं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे न आचरिते नर न घनेरे, जे आचरिते नर न घनेरे। गोस्वामी जी लिखते हैं, उपदेश करने में तो कुशल है, लेकिन खुद में वह उपदेश कभी भी जीते नहीं। तो आचार्य में ये तीन गुण होने चाहिए, स्वयं जाने, दूसरे को समझा दे, और तीसरा मतलब उसके जीवन में वो ज्ञान झलके दिखे। हम कह रहे हैं हम आनंद स्वरूप है और सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं सम हूं और छोटी छोटी बात में विषम हो रहा है। तो जो पढ़ा है और जो जीवन है उसमें बहुत बड़ा गैप हो गया, शास्त्र का सत्य और हमारे जीवन का सत्य, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। सब लोग कहते ही है, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। मराठी में कहते हैं कळतो पण वळत नाही, बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन अब जिसको हम आचार्य कहते हैं, बोले वो केवल लिप वेदांत नहीं है ना, केवल ओठों से वेदांत बोल रहा है ऐसा नहीं, उसकी समझ भी वैसी बनी हुई है और हाँ वैसा वो अनुभव भी करता है। आचार्य होना कोई सामान्य बात नहीं है। तो ऐसे आचार्यों के मुख से जब हम सुनते हैं तो बोले बात स्पष्ट होती है। तो कहते इति शुश्रुम धीराणाम, ये अच्छा, और यह आचार्य से सुना है, उसके आगे भाष्यकार अंतिम में लिख देते हैं, बोले इसका अभिप्राय क्या है कि व्याख्यातवंत तेषाम, अंतिम वाक्य देखिए, आगम पारंपरियागत इत्यर्थ। ये आचार्य से सुना है, इसका सीधा मतलब है कि परंपरा से हमने सुना है। ये आगम वाक्य है, आगम का अर्थ होता है जो परंपरा से आया हुआ है, उसको कहते आगम। दो शब्द सुने होंगे आपने, आगम और निगम। निगम का अर्थ होता है वेद, और आगम का अर्थ होता है ऐसे शास्त्र, ऐसे विचार जो परंपरा से आए हैं, शैवागम, जैनागम, अलग अलग दर्शनों के वो शास्त्र होते हैं जो उन्होंने अपने अपने गुरु से सुने। तो यहां पर कहते हैं आचार्यों से हमने सुना, इसका मतलब है ये हमारा खुद का ज्ञान नहीं है, मौलिक ज्ञान नहीं है, ये पहले से ही आया हुआ है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो पहले लोगों ने गाया वही हमने गाया है, सुगम मोहि भाई, यही मग चलत सुगम मोहि भाई। बहुत सुंदर, बोले जिस मार्ग पे अनेक महात्मा लोग चल पड़े हैं बस उसी मार्ग को हम फॉलो कर रहे हैं। महाजनो ये न गतस्स पंथा, बोले रास्ता वही है जिसके ऊपर महापुरुष लोग चल चुके हैं, वो रास्ता है।
महाराष्ट्र के बड़े संत ज्ञानेश्वर महाराज वो भी अपनी ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि भाष्यकाराची वाट पुस्तक, जो शंकराचार्य जी ने मार्ग बताया, रास्ता दिखाया, बोले बस उसी लाइन पे हम चल रहे हैं, हमारा कोई नया विचार नहीं है। हाँ, विचारों के प्रकटीकरण में, अभिव्यक्ति में नवीनता है। तो जो भगवान कृष्ण ने बोला वही हमने लिखी, जो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा उसी के आधार पे हमने ज्ञानेश्वरी लिखी। सब स्पष्ट खुला बोलते हैं। आजकल एक विचित्र बात है, स्वयंभू मैं हूं ये बताने में लोगों को ज्यादा गर्व है, हमारे कोई गुरु नहीं, हमने अपने से ये खोज की। लेकिन परंपरावादी जो आचार्य और गुरु लोग हैं वहां पर ऐसे व्यक्ति का ज्यादा आदर नहीं है। अरे बोले तुम्हारा अनुभव प्रमाण कैसे होगा? प्रमाण कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए मत मानिया, वेद कह रहे हैं इसलिए मानिए। कई बार हम ये बात कह चुके हैं, सत्य में प्रमाण शास्त्र है, वेद है, क्योंकि व्यक्ति का अनुभव बदलते रहता है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा, तो किसको कौन सा वाक्य प्रमाण माने। इसलिए आगम उपनिषद में वाक्य आता है, आचार्यादेव विद्या साधिष्टम प्राप्त, बोले वही ज्ञान स्थिर होता है जो आप आचार्यों से सुनते हैं। फिर उस ज्ञान में किसी भी प्रकार का क्या व्यभिचार नहीं होता, हमारी बुद्धि संशय ग्रस्त नहीं होती। बोले परंपरा से सुना है, अनेक लोगों ने इसका लाभ लिया है, तो ये सत्य है। तो परंपरा में यदि हम को प्रवेश मिल जाए तो समझ लीजिए बड़ा भाग्य है, नहीं तो बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, नहीं तो बुद्धि भटकती रहती है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, गीता में भगवान कहते हैं श्रुतियों के अर्थ अलग अलग है, कहीं विरोधी अर्थ है, बोले उन सबको समेट कर कोई बताए तो फिर ज्ञान ठीक होता है। इसलिए मनमाना अर्थ हम ले ले, अपने ही मन से समझ ले, उसमें भ्रम की संभावना ज्यादा होती है, ज्ञान के बजाय भ्रम। इसलिए यहां लिखते हैं कि पारंपरियात, ये परंपरा से हमने सुना है कर्म और उपासना का जो विषय है। इति सुश्रुमत हीराणाम, देखो आचार्य शंकराचार्य जी भाष्यकार हमेशा परंपरा को ऊपर रख, अपने को ऊपर नहीं रख, ये होना चाहिए। गुरु से हमने सीखा, गुरु कहते ही उसको है गृह्णाति उपदिशति इति गुरु, जो उपदेश करे, जो अपने गुरु से सीखे हुए ज्ञान को ट्रांसफर करे वो है गुरु, वही है आचार्य। देखिए समाज में ऐसे फक्कड़ संत बहुत मिलेंगे, उसको फक्कड़ संत, खुद मस्ती में घूम रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे पाते। तो वो स्वयं ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन कोई शिष्य परंपरा हो उनकी, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे संत हुए हैं, लेकिन यदि हम जैसे अज्ञानी लोगों को यदि लाभ लेना है इस ज्ञान का, तो कोई आचार्य ही चाहिए। ऐसे संत जो होते हैं उनका दर्शन पुण्य देने वाला होता है, ऐसे संतों के की सेवा करने से खूब लाभ भी होता है। लेकिन अज्ञान निवृत्ति के लिए
तो कोई जब तक हमको बताए नहीं तब तक नहीं होता। इसलिए यहां भाष्यकार कहते हैं आगम पारंपरियागत, ऐसा यहां शब्द दिया पारंपरियागत इत्यर्थ। तो आचार्य शब्द के देखिए इतनी चर्चा हो गई, इतना विचार हो गया, ये नस्तद विचचक्षर। अब आगे श्रुति माता कहती है कि कर्म और उपासना का ये जो विज्ञान है, बोले ये जानना चाहिए। देखिए अब अगला मंत्र, ग्यारहवा मंत्र, विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयगं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयगं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। श्रुति यहां कहती है, फिर से वही शब्द है, विद्या और अविद्या। बोले ये विद्या और अविद्या दोनों को क्या करे, जाने। विद्याम च अविद्याम च यह, यह मतलब जो कोई वेद, वेद मतलब जानता है, उभयगम सह दोनों को एक साथ जानता है। ध्यान से सुनिए, जो कोई विद्या और अविद्या को एक साथ जानता है उसके जीवन में क्या होता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु का, मृत्यु के परे चला जाता है। और अविद्या मतलब कर्म, कर्म का अनुष्ठान उसने किया तो उसका फल क्या हुआ, तो बोले मृत्यु के परे गए, चला गया। देखो बताया था ना पीछे अन्य अन्य फल बताए, तो अब यह फल बता रहे हैं, जीते जी क्या मृत्युम तीर्त्वा, कर्म का फल पीछे बताया था, मरण के बाद क्या होगा, पितर लोग, जीते जी मृत्युम तीर्त्वा, कर्म का परिणाम है मृत्यु के परे जाना। और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या का फल क्या है, तो बोले वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो दो फल बताए, कर्म का फल मरण से मुक्ति और विद्या का फल अमृत की प्राप्ति। अब यहां पर आप मृत्यु और अमृत का अर्थ जो समझा हुआ है खुद से वो भूल जाइए, वो अर्थ यहाँ पे ठीक नहीं है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सावधान कर रहा हूं। नहीं तो लोग बोलेंगे कर्म से मृत्यु कैसे हम पार कर सकते हैं, कर्म तो स्वयं अनित्य चीज है, हाँ कर्म से कैसे मृत्यु से हम परे जाएंगे, ये प्रश्न आएगा। और उपासना से अमृत प्राप्त कर लेते, बोले कौन सा अमृत, कैसा अमृत, तो अभी इसको आप भूल जाइए, अभी केवल रखिए मन में कि ऐसा कुछ कहा है, लेकिन क्या अर्थ है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन ऊपर की जो पंक्ति है वो बहुत समझने लायक है, बोले विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या दोनों को जाने, वेद शब्द यहां आता है। वेद का अर्थ विद धातु से बनता है, विद का अर्थ है जानना, और यहां जानने का अर्थ केवल बौद्धिक रूप से समझना नहीं है। ध्यान से सुनिए, कर्म और उपासना केवल जानने की चीज नहीं है, करने की चीज है। तो यह वेद शब्द से ये नहीं कि अच्छा कर्म इसको कहते हैं, उपासना इसको कहते हैं, हो गई हमको जानकारी, हो गई, अब फल मिलेगा क्या हमको। वेद का अर्थ है कि करना, इसका अनुष्ठान करना, कर्म उपासना
ये करने की चीज है, केवल भाषण देने की चीज नहीं है या आर्टिकल लिखने की चीज नहीं कि हमने एक बढ़िया कर्म और उपासना पे निबंध लिख, उससे कुछ भी फल होने वाला नहीं है। इसलिए श्रुति क्या कहती है, भाई इसका अनुष्ठान आप कीजिए, इसको केवल समझिए नहीं। तो वेद शब्द का यह अर्थ है। इसलिए भाष्यकार कल हम देखेंगे समुच्चय दोनों का साथ में करें। अच्छा, अब जब यहां लिखा कि विद्या और अविद्या को जाने, विद्या का अर्थ है उपासना, तो भाष्यकार देखिए क्या अर्थ लिखते हैं। पहली लाइन देखिए, यतः एवं अतः विद्याम च अविद्याम च देवता ज्ञानम। विद्या का अर्थ किया देवता ज्ञानम, और कर्म च अविद्या का अर्थ किया कर्म। तो इसको ध्यान से सुनिए, कर्म का भी ज्ञान प्राप्त करें और देवता का भी ज्ञान प्राप्त करें। वेद शब्द आया, मतलब उपासना और कर्म को ठीक ठीक जरा जाने पहले तो, और जानने के बाद उसको करे। उपासना ऐसी चीज है जो करनी चाहिए। उपासना में क्या है, तो बोले एक देवता है तो देवता का ज्ञान प्राप्त। उपासना में एक इष्ट होता है ना, एक आराध्य होता है, भगवान की एक क्या, एक मूर्ति कहिए, विग्रह कहिए, उसकी आवश्यकता होती है। उपासना में उपास्य होता है। देवता शब्द श्रुतियों में आता है। अच्छा, देवता, अब यदि आप वेदों में देखें तो देवता शब्द के अर्थ क्या लिए हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण देव, बृहस्पति, शन्नो मित्रशं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमां, शन्न इंद्रो बृहस्पतिः, वैदिक देवता है, अग्नि देव, वायु देव। हाँ, आजकल अब इन देवताओं की चर्चा कम होती है, कहीं कहीं यज्ञ आगादी में यह सुनने को मिल जाता है, इंद्राय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा। तो देवता कौन है पहले इसको जाने, कितने प्रकार के देवता हैं। यहां लिख दिया है देवता ज्ञानम। ध्यान रखना, ये जो उपासना भी है ना, उपासना भी एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार का विज्ञान है उपासना शास्त्र। इसलिए देखिए, विद्या शब्द का विषय अर्थ क्या होता है, ज्ञान, लेकिन यहां पे अर्थ क्या लिया है, उपासना। तो अर्थ क्या हुआ, उपासना का ज्ञान, उसको कहते हैं विद्या। और उपासना का ज्ञान में सबसे पहले क्या होगा, देवता का ज्ञान। तो कोई ना कोई जीवन में एक देव को हम अपना आराध्य या इष्ट बनाए। अब देखिए, किसका कौन देव होगा, आराध्य होगा, उसमें बहुत सारे कारण है। किसी के घर में परंपरा से किसी देवता की पूजा की जा रही है, करते आ रहे हैं, बोले हमारे पिताजी भी इन्हीं की उपासना करते, दादाजी भी, तो मालूम नहीं कब से भगवान हमारे इस रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं, ये मूर्ति है, विग्रह है, तो परंपरा से हमको ये मिले हैं तो हम उनकी आराधना करते हैं। कोई लोग देवता का चुनाव अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, कामना, कोई लोग जो है अपने रुचि के अनुसार, हम कृष्ण अच्छे लगते हैं, हमको राम अच्छे लगते हैं, हमको हनुमान जी अच्छे लगते हैं। तो जिसका मन जिसमें लग जाए, जिसको जो प्रिय हो, वो है देवता। देखो ये बड़ा मीठा यहाँ पर अब ये चिंतन है, उपासना एक मधुर कर्म का नाम है।
मानसिक कर्म, इसमें भाव की प्रधानता है, तो ये देवता को पहले जाने, कोई राम कृष्ण हनुमान जी देवी, दूसरे धर्म में कोई है ना पीर पैगंबर उनकी उपासना करते हैं, कोई महावीर कोई बुद्ध, जिसकी जिसमें रुचि है। हिंदू धर्म किसी को रोकता नहीं, आपका जिसका मन जिसमें मन हो वो गुरुदेव, इसलिए हमेशा एक ही वाक्य में सबका नाम ले लेते हैं। आप मॉस्क में जाइए, चर्च में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, ऐसा बोलते थे हरि जैसे का तैसा, हरि में कोई फर्क नहीं है। देव का अर्थ होता है दिव्यता, जिसमें हो द्योतना देव, जिसमें हम शक्ति को देख पाए, जिसमें तेज को देख पाए, जिसमें सारे गुणों को देख पाए, वो हमारा कौन है? देव। हमारा आदर्श वो हो जाता है, बोले हमको राम जी के जैसा होना है। हाँ, सकल गुण निधानम हनुमान जी के लिए कहा, बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगताम, ये सब गुण हनुमान जी में, तो हम उनकी उपासना करके वैसे ही गुण को बढ़ाएं, तो ऐसी उनकी इच्छा होती है। तो जो भक्त लोग हैं अपने अपने रुचि के अनुसार क्या करते हैं, देवता का चयन करते हैं। अच्छा, गीता में क्या लिखा, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, बोले कोई कोई लोग एक इष्ट में ही अपना मन पूरी तरह लगा देते हैं, अलग अलग देवताओं की उपासना नहीं करते। कोई कोई लोग ऐसे हैं कि एक इष्ट में सारे देवताओं को देख लेते हैं, ये बढ़िया चीज है। गीता में भगवान यही कहते हैं, बोले अनेकों को आप एक में देखो, जो भी संसार में देवता हो सब वो एक में ही है। अच्छा, कुछ लोग कैसे हैं, इष्ट तो एक है लेकिन क्या है, कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं के पास जाते, बोले पढ़ाई की नहीं है, परीक्षा में पास होना है, चलो गणेश जी के पास जाइए, बुद्धि दीजिए, थोड़ी शक्ति चाहिए तो हनुमान जी के पास जाइए। ठीक ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। अब देखिए, सीता जी जो है वो गंगा जी से मांगती है आशीर्वाद कि हम कुशल वापस लौट आए, पार्वती जी के पास मांगती है कि मनुजा ही राचे, श्री राम चंद्र स्तुति उसके अंदर अंत में आता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तो अलग अलग कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता, तत्तत् देवता के पास जाते हैं जैसी जैसी कामना होती है। लेकिन भगवान कहते हैं वास्तव में जिन भी देवताओं के पास जाते हैं वो, और वो देवता उनकी इच्छा पूरी करते हैं ऐसा उनको लगता है, वास्तव में मैं ही उन सारे देवताओं में बैठकर सबकी इच्छा पूर्ण करता हूं। तो ठीक है, एक की करे अनेक की करे, लेकिन करें जीवन में भगवान के लिए भी स्थान हो, ये यहां पर मुख्य मुद्दा है, मुख्य पॉइंट है। उपासना के बिना जीवन जो है वो शुष्क है, सूखा है, इसलिए भगवान के साथ हम कुछ देर बैठे हैं। श्रुति यहां कह रही है जीवन में माता पिता भाई बहन सारे लोग हैं, उसी में भगवान भी एक मेंबर होना चाहिए। और ये उपासना इतनी प्यारी चीज है, उपासना करते करते एक संबंध की अनुभूति होने लगती है। लोग कहते हैं हम अकेला महसूस कर रहे हैं, उपासना यदि करें तो अकेलापन दूर हो जाए, कोई यदि करे तो, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं ये उपासना केवल जानने की चीज नहीं है, करने की चीज। तो
संबंध जब जुड़ता है ना तो संबंध का फल होता है भाव। भावानुभूति कब होती है? जब संबंध की पहले स्थापना, जिसके साथ आपका जुड़ाव ही नहीं है उसके प्रति क्या भावना आएगी। हमारे गुरुजी हमेशा उदाहरण देते रहे कि आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, हजारों की भीड़ होती है, लेकिन आप अकेला अनुभव करते हैं। क्यों? किसी से भी आपका संबंध नहीं है। उसी भीड़ में यदि कोई आपका मित्र दिख जाए तो देखिए सारी भावनाएं उछल के आने लगे। अरे तुम आ गए, आहा कैसे हो, नहीं तो बिल्कुल सन्नाटा। बाजार में, मार्केट में घूम रहे हैं आप, अकेले, अकेलेपन का। तो भाव जो है ना वो संबंध का क्या है, पुत्र है। भगवान के प्रति हमारा भाव कुछ आता नहीं, उसका कारण ही है कि हमने संबंध जोड़ा नहीं। उपासना मतलब संबंध जोड़ने की एक कला है। पूजा मतलब क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा, ये संबंध और गहरा होते जाता है जैसे जैसे उसको उसमें आनंद आने लगता है। वो फिर चाहेगा कि कब मैं पूजा के लिए बैठूं, कब मैं जप करूं। देखिए जब तक सुख की अनुभूति नहीं होती ना भगवान में, जब तक सुख या आनंद का अनुभव नहीं होता तब तक पूजा इत्यादि में रुचि नहीं आती। बड़ी सरल बात है, सुख की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है। लोग जो है ना भगवान से डरते तो खूब है, अंग्रेजी में इसलिए एक शब्द ही बोल दिया, जो भक्त या आस्तिक है उसके लिए क्या बोल देते हैं, गॉड फियरिंग पर्सन। एक्चुअली सही है वो प्रयोग नहीं है, भगवान डराने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान प्रेम करने के लिए बैठे हैं। कहते हैं आप एक कदम आगे आओ, हम 10 कदम आगे आते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सय बार किए की। वहां नोट कर लेते हैं, इसने आज पूजा की, इसने स्तोत्र गाया, और वो राह देखते हैं कि ये दूसरे दिन भी आएगा। ये भगवान का स्वभाव है। तो एक बार उसमें एक रस आ जाए तो फिर आप देखिए सुखानुभूति होनी चाहिए। तो उपासना में एक रस होता है। भजन बिना नर फीको, मीराबाई कहती है, बिना भक्ति के तो क्या है, नीरस है जीवन। और ये उपासना का फल भी होता है, एक तो तुरंत फल होता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन में एक धन्यता की अनुभूति होती है, एक ऐसा लगता है कि हमने एक अपने कर्तव्य को निभाया, भाई भगवान ने इतना दिया है तो कुछ करना चाहिए, तो हमने किया, उनको नहलाया, उनको नैवेद्य समर्पित किया, उनके साथ बातचीत की, तो एक बड़ा अच्छा मन में वातावरण बनता है। इसलिए जो करता है वो अनुभव करता है। बड़े बड़े लोग रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े हो गए केवल पूजा के कारण ही, पुजारी से। पूजा का फल ऐसा हुआ कि हर चीज में वो माता जी से पूछते। जब तोतापुरी जी आए उनको समाधि सिखाने के लिए, निर्विकल्प समाधि, बोले हम आपके लगा, तो बोले हम पहले पूछ के आए थे माता जी से, यदि वो सम्मति दे तो फिर हम सीखेंगे। माता जी ने कहा मैंने आपके लिए बुलाया है। तो जहां संवाद होता है, जहां भगवान का मूड मालूम पड़ता है, इसलिए यहां पे श्रुति माता कहती है कि इसको क्या हम करें, वेदो
अच्छा, उपासना में सबसे पहली चीज ये है कि भगवान पे भरोसा हो, तब तो उपासना की शुरुआत होती है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भक्ति की पहली स्टेप क्या है कि अस्ति, भगवान है, नास्ति से शुरुआत नहीं होती, अस्ति। और फिर दूसरी स्टेप है वो मेरा है, केवल है नहीं, मेरा है। यही संबंध की बात हम कर रहे हैं। केवल भगवान को सातवें आसमान पे बिठा देना और मान लेना वहां बैठा है वो, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति मतलब प्रेम का नाम है। प्रेम वही होता है जहां सुख मिलता है। भगवान से देखिए दो चीज मिलती है भक्त लोगों को, वो कहते हैं हमको आनंद तो मिलता ही है, साथ में सुरक्षा भी मिलती है। ध्यान से सुनिए, सुख और सुरक्षा दोनों का अनुभव यदि होने लगे ना, तो उपासना गहरी गहरी होती जाती है। ये धन से हमको इतना प्रेम क्यों है? भगवान को भूल जाइए दो मिनट, धन से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि धन में ये दोनों चीज मिलती है, सुख भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। बोले बड़ा बैलेंस है हमारा, चिंता की कोई बात नहीं है। शेयर मार्केट डाउन हो जाए तो भी कोई बात नहीं है ना, इकोनॉमी वो क्या डाउन होती रहती। तो सुरक्षा यदि मिले, ये भरोसा हो जाए कि भगवान हमको बचाने वाले हैं, तो वो भक्त हर चीज के लिए भगवान के पास ही जाता है। कोई भी समस्या हो, लौकिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जो समस्या हो, त्राहिमाम पाहिमाम। और चूंकि उसको पहले अनुभव हो चुका होता है कि भगवान ने हमारी समस्याओं का निदान किया है, तो फिर उसको वो जाने में दिक्कत होती नहीं, तो भरोसा पक्का हो गया। अब इसके लिए देखिए काफी समय लगता है, एक दिन में दो दिन में बात होती नहीं, लेकिन यहां श्रुति कहती है ये उपासना को करें। उपासना का मतलब ही हमने बताया था, भगवान के पास में रहना, साथ में रहना। दिन अपने रूटीन में एक ऐसा टाइम तो हम निकाल ही लें। ये पूजा जो है ना स्मारक होती है, ध्यान से सुनो, पूजा या उपासना स्मरण कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। यदि पूजा न हो तो याद ही नहीं आए भगवान की। इसलिए हमारे संतों ने डाल दिया कि भाई आप सब कुछ कर रहे हैं तो एक 10 मिनट के लिए बैठे, इसमें हानि तो कुछ है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। तो इसलिए देवता ज्ञानम, ये विद्या के ऊपर हमने इतना बोला। नारद भक्ति, बड़े बड़े देखिए भक्ति शास्त्र है इस उपासना के, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र। भक्ति क्या है लोगों ने परिभाषित करने का प्रयत्न किया, कथा दिशु अनुराग, कथा में अनुराग होना भक्ति है, पूजा दिशु अनुराग, पूजा में प्रेम होना भक्ति है। नारद जी ने बोल दिया कि सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना, ये भक्ति है। बहुत बड़ा शास्त्र है ये भक्ति दर्शन। तुलसीदास जी से पूछा भक्ति क्या है, उपासना क्या है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, बोले जाते बेगी द्रवो मैं भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। बोले जिसके कारण मैं द्रवित हो जाऊं ना, मेरा हृदय पिघल जाए, बस वो भक्ति है। आरती करना भक्ति है कि नहीं? बोले यदि उस आरती से भगवान का हृदय पिघल जाए तो क्रिया के बजाय भाव पर ज्यादा जोर है। इसलिए केवल भजन करना भक्ति नहीं हो सकती, केवल पूजा करना भक्ति नहीं हो सकती, भाव विहीन जो है वो भक्त लोग उसको जरा कम मानते। बोले ठीक है करते रहिए, भाव बढ़ेगा,
छोड़िएगा नहीं। तो ऐसा ये प्रेम का मार्ग श्रुति माता यहां कहती है। अच्छा, उपासना तो हो ही, साथ में कर्म भी हो, इसलिए देवता ज्ञानम कर्म च। कर्म हो, इसका अर्थ भी हम दो तीन दिन से देख रहे हैं कि हम कर्म केवल अपने लिए न करें, कर्तव्य करें, लेकिन भगवान के किंकर बनकर करें। किंकर मतलब नौकर, सेवक। हमारे स्वामी जी कहते रहे, बोले व्यक्ति को केवल मनुष्य बन के नहीं जीना चाहिए, मैं एक व्यक्ति हूं यही आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, मैं सेवक हूं, भक्त हूं, साधक हूं, इस भाव से जी। केवल मनुष्य होके जीना ये तो भौतिकवाद है, ठीक है उससे थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन अधिक लाभ यदि जीवन का चाहिए तो बोले थोड़ा एक ऊंचा भाव अपने में सतत रखे, मैं सेवक हूं, कर्तव्य करें लेकिन सेवक होके जिए, दास होके जिए। इसलिए मीराबाई कहती है ना, माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु। बोले बस मुझको आप नौकर रख लीजिए, बाग लगाऊंगा, बीच बीच में आपको देखते रहूंगी, दर्शन पाऊ खर्ची, माने चाकर राखो जी। तुलसीदास जी को भी जब अकबर ने बुलाया, ये कथा कई बार आपको हमने सुनाई है, बोले हमारे दरबार में आप आइए, आपको पद देते हैं, ऊंचा पद। तुलसीदास जी कहते हम पहले से ही नौकर बने हुए हैं, हम चाकर रघुनाथ के पट्यो लिखो दरबार, हम दरबारी हैं। किसके? राम जी के दरबारी, राघवेंद्र सरकार। एक संत से कहा फतेहपुर सीकरी में, बोले आप आइए हमारे दरबार में आइए, आपको बहुत धन देंगे। तो कहते संतन को कैसो सीकरी से काम, आवत जात पनिया टूटत बिसर जात हरिनाम। ठुकरा दिया उन्होंने, उन्होंने कहा क्यों आए हम, मतलब हानि होगी, लाभ तो कुछ होगा नहीं, आने जाने में चप्पल घिस जाएगी, टूटत पनिया, और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, बिसर जात हरिनाम, भगवान को हम भूल जाएंगे। इसलिए संतन को कैसो सीकरी से काम, संतन को क्या काम दरबार से और पद से, हम तो पहले ही जो ब्रह्मांड का स्वामी उसके सेवक बने हुए। ये है देखिए कर्म उपासना, तो संतों ने इसको जिया है और फिर बोला है। यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर हम क्या दर्शन शास्त्र में लेक्चर लोग दे सकते हैं, भक्ति के कितने शास्त्र हैं, भक्ति के कितने आचार्य हुए, लेकिन भक्ति करते हैं क्या, वो देखने की बात है। तो विद्याम च विद्याम च यस्तत वेद उभयगम सह, यदि ये जीवन में हो गया, देखिए पहले आप उपासना कीजिए, फिर कर्म कीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, अचानक एकदम हर कर्म में भगवान का अनुभव या स्मरण कठिन है। तो पहले ठीक है बारी बारी से कीजिए, पहले उपासना कीजिए फिर अपना कर्तव्य, लेकिन धीरे धीरे ये होना चाहिए कि हर कर्म के साथ भगवान जुड़ जाए, तो समुच्चय हो जाएगा। श्रुति की तो अपेक्षा यही है, और उसका फल क्या होगा तो कल देखेंगे, बड़ा अच्छा फल है, मृत्यु के परे जाता है, उसका क्या अर्थ है कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः हरि ही ओम।